जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते आज मेरा बाप होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों शोले मूवी की शूटिंग लोकेशन आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारे ब्लॉगर बहुत सारे यूट्यूबरों ने बनाई होंगी, लेकिन परफेक्ट लोकेशन आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। दोस्तों जैसा कि मैं आज पूरा रामनगरम में हमारा दिन खपत हो गया, पूरी हालत खराब हो गई, लेकिन लोकेशन मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं जाऊंगा तो एक ना एक लोकेशन परफेक्ट दिखाऊंगा। आखिर में क्या वहीं पे मूवी शूट हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आज मैंने वो परफेक्ट लोकेशन ढूंढ ली है जहां पर धर्मेंद्र पाजी अमिताभ बच्चन जी से कहते रहते हैं कि मुझे बसंती जी से शादी करनी है। दारू पी के बैठे रहते हैं कि भाई शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, मौसे से मेरी बात कर दो। तो धर्मेंद्र कहते हैं तू कितनी बार ऐसा करेगा कि तू, तेरा फैसला तो 8 बार महीने में होता है, कम से कम 8 बार बोलता है शादी कराओ। तो धर्मेंद्र बोलते हैं मेरा लास्ट फैसला है। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखा देते हैं जिस मैं जगह पर खड़ा हूँ, ये सारी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर वो सारा सीन फिल्माया जाता था। अभी यार ये क्या करेगा भाई, हमला तो नहीं कर देगा? दिखाइयो दिखाइयो, यह है क्या? कुत्ता है, कुत्ता है ना, ऐसा लग रहा है सीआर की तरह। तो दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक ऐसा लग रहा था, ऐसा लग हमला कर देगा। तो दोस्तों हम सीन की बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं इस पहाड़ का नज़ारा उसमें दिखाई देता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके साथ में। सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ से पत्थर का सीन रहता है, यहीं कहीं पर अमिताभ बच्चन जी ऐसे लेटे रहते हैं। अभी हम आपको लेट के बता देते हैं, इस तरीके से मूवी में देखना, इस तरीके से लेटे रहते हैं ऐसे, और अमिताभ बच्चन उस पत्थर पे नहीं, यहाँ पे शायद पत्थर हो, मैं भी तो पत्थर पे बैठ रहे थे, पीछे का नज़ारा दिखाई देता है। एक बार मैं वीडियो क्लिप भी लगा दूंगा और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, देख लेना। तो यहाँ पे ऐसे अमिताभ बच्चन लेट रहते हैं और धर्मेंद्र जी दारू पीते रहते हैं कि भाई मेरी शादी करा दो, मौसी जी से बात कर दो, यहीं से वो सीन लिया जा रहा है। तो हम भी वहीं लौट गए आज। तो अगला सीन की बात कर लेते हैं फिर। धर्मेंद्र जब उठते हैं कहते हैं यार तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, जब अमिताभ बच्चन बोल देते हैं तो धर्मेंद्र बोतल लेके ऐसे 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 करते करते चले जाते हैं। तो पहले तो इस पहाड़ का नज़ारा दिखाई देता है और फिर उधर का वो पीछे पहाड़ दिख रहा है, बहुत उनके पिक्सल ज़्यादा हैवी होते हैं ना कैमरे के, तो उसमें दिखता है। फिर धीरे धीरे इधर से जब जाते हैं तो इधर से इसका सीन दिखाई देता है, आगे से दिखाना थोड़ा। धर्मेंद्र पाजी इधर से इन पत्थरों को ऐसे करते 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 इन पत्थरों का सीन दिखाई देता है और इधर से पूरा यू टर्न मार के धर्मेंद्र जी इधर पे आते हैं तो पीछे के वो पहाड़ दिखाई देते हैं। स्क्रीनशॉट में देखना, एक तो वो चोटी, एक वो, एक ये सारा कुछ नज़ारा दिखाई देता है स्क्रीनशॉट के अंदर। आप देख लेना, थोड़ा जूम करना सचिन भाई उन पहाड़ों को। हाँ ये वाले पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अभी क्या है सब कुछ बदल गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहीं से सारे सीन फिल्माए जाते हैं। दोस्तों आपको मैंने लोकेशन दिखाई है, तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे पे एक बार फिर से आपको सही से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ज़रूर फॉलो करना मुझे, नहीं फॉलो करोगे तो आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीनशॉट के जरिए से, क्योंकि आपने सोचा कि विकास भाई इतनी तेज़ से डरा दिया पूरा और लोकेशन तो कुछ परफेक्ट मैच नहीं हुई, एकदम से दौड़ा दिया। तो दोस्तों आपको बता देते हैं थोड़ा आराम से, क्योंकि लोकेशन जो है मैच हो जानी चाहिए परफेक्ट। तो इस जगह पे लेटे रहते हैं जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी शादी की बात कर लो। तो इस पत्थर का सीन दिखाई देता है, तो ये पीछे का जो पहाड़ है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट में परफेक्ट उसी तरीके से मैच कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पहाड़ दिखाई देता है, इतना देख रहे हो दोस्तों। स्क्रीनशॉट में अभी भी मैच हो जाएगा, आप परफेक्ट मैच कर लेना यहाँ से। और अमिताभ बच्चन जी इधर इसी यहीं कहीं पत्थर पे इस तरीके से बैठे रहते हैं, अभी झाड़ वाड़ उगा है ना तो इस वजह से सीन नहीं दिखा। तो इसका कोना दिखता है पहाड़ का, इस तरीके से देख सकते हो इस तरीके से। और एक चीज़ और आपको दिखाया देते हैं, फिर धर्मेंद्र जी इधर जब बढ़ते हैं इस साइड में सीन फिल्माया जाता है, तो एक बार इसका सीन दिखाई देता है इस पहाड़ का, देखो ये वाला। आप बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट में देखोगे तो इस पहाड़ का नज़ारा दिखाई देगा, फिर ऐसे करके ऐसे सीन आता है। तो इधर ये पहाड़ ना जो झाड़ में छुप गया है क्योंकि दिख नहीं रहा है, मैं एक बार उस साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा हटके। ये वाला पहाड़ देख लो दोस्तों, थोड़ा दिख रहा है ना, इस वाला, ये वाला पहाड़ दिखाई देता है स्क्रीनशॉट में, ये भी मैच कर लेना। इधर साइड के ये पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं वो भी दिख जाएंगे, और ये वाला पहाड़, ये वाला स्क्रीनशॉट में मैच कर लेना। धर्मेंद्र जी उधर खड़े रहते हैं, ये भी दिखाई देता है स्क्रीनशॉट में, परफेक्ट मैच कर सकते हैं। और यहीं पर पूरा दारू वाला सीन फिल्माया जाता है इसी पहाड़ी के ऊपर। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं,
यहाँ पर सीन फिल्माया गया था तो कुछ अलग ही नज़ारा था, क्योंकि अभी यहाँ पे झाड़ वाड़ बहुत ज़्यादा उगा है। इनका भी नज़ारा दिखाई देता है स्क्रीनशॉट में, मैच कर लेना। ये पत्थर जैसे हैं, ये अभी भी पड़े हैं, कुछ हट भी गए और कुछ अभी भी पड़े हैं, तो ऐसे करके सीन आता है दोस्तों। और पीछे का पहाड़ दिखाई देता है और कैमरा इधर से एंगल होते हुए इधर से चला जाता है। तो अभी हमारा कैमरा और फिल्म वालों के कैमरे में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उनके पिक्सल अलग लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, चारों तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो ये मार्क देख लेना, और यहीं पे ये लोकेशन है दारू वाली, पूरी लोकेशन आज भी स्क्रीनशॉट में मैच हो जाएगी परफेक्ट उसी तरीके से। इधर रामगढ़ बसाया गया था, मैं भी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ परफेक्ट दिखाने वाला हूँ। जब गब्बर सिंह उतरता है, जब कहता है ठाकुर हमारे लिए कौन सा फौज लेके आया है, कौन है वो, तो इन पहाड़ियों का नज़ारा दिखाई देता है। आप ये देख लो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट में मैच कर लेना, ये वाला कट मैच कर लेना, ये वाला वैसे ही मैच हो जाएगा। और दोस्तों ये ऊपर से जो पानी के जो ये डॉट डॉट बने ना, ये भी स्क्रीनशॉट में परफेक्ट उसी तरीके से मैच हो जाएंगे। यहीं से वो परफेक्ट सीन लिया गया है। इतनी मगजमारी करने के बाद मुझे पता पड़ा, ये देख लो दोस्तों, ये वाला सीन आपको परफेक्ट बिल्कुल स्क्रीनशॉट में मैच हो जाएगा। और जब अमिताभ बच्चन और गब्बर की लड़ाई होने लगती है तो इस पूरे पहाड़ का नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। तो मैं भी यहीं पे सारा बसाया गया था नीचे साइड में रामगढ़, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो फिल्म वाले क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा सेटअप इधर उधर कर देते हैं, साला समझ में नहीं आता। लेकिन आप स्क्रीनशॉट में इस पहाड़ को उसी तरीके से मैच कर सकते हो, बिल्कुल पूरा ऐसा ऐसा नज़ारा दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में, देखना। अब वो नीचे से फिल्माया गया है कि उधर रामगढ़ बनाया गया था शायद, मैं भी उस साइड में बनाया गया तभी सीन दिखाई दिया है, और ये सीन दिखाई देता है। तो रामगढ़ में भी दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर बसाया गया था। अगर वो सीन वहाँ से लिया गया ना, तो इसका सीन दिखाई देता है। अभी मुझे परफेक्ट जाके पता चला कि वहाँ से सीन लिए जाते थे उस साइड से, और इधर का नज़ारा दिखाई देता था। तो गब्बर जब उतरता है तो स्क्रीनशॉट में मैच कर लेना, ये वाला सीन बिल्कुल ऐसे ही मैच हो जाएगा। और ये अमिताभ बच्चन जब लड़ाई करते हैं तो ये सीन दिखाई देते हैं, और ये वाला पहाड़ परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मस्जिद का सीन इस साइड में या बनाया गया होगा, या फिर इस साइड में तो मुश्किल ही बनाया होगा, क्योंकि वहाँ से इधर ही पूरा यहाँ पे सेटअप बनाया गया था। तो अब दोस्तों अभी हम आपको शोले फिल्म की लोकेशन दिखा देते, तो एक पहाड़ जैसा दिख गया, तो मैंने सोचा एक डायलॉग हो जाए। जब गब्बर बोलते हैं तो एक ऊपर से एक उनका बोलता है, कहता है सरदार सरदार, मैं पिछले बरस जब हरिपुर के यमुना दास की शादी में जब मैं छुप छुपा के वहाँ पहुँचा था, तो ये वहाँ बहुत जोर का नाची थी। तब गब्बर बोलता है, बड़ी कटीली नचनिया हो, हाँ जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। तो वो सारा सीन यहीं से फिल्माया जाता है, लेकिन वो नचाने वाला सीन सारा मिल नहीं रहा कि इधर से फिल्माया गया है। इस वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों सही लोकेशन दिखाई और स्क्रीनशॉट भी मैच कराए, आपने ज़रूर मैच किए होंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और सही से सही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। ये बेसिकली रास्ता है, लोग चलते फिरते रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा हम साइड भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया जहाँ पे वो दारू पीते रहते हैं धर्मेंद्र जी, गब्बर उतरता है उस पहाड़ का नज़ारा दिखाई देता है। तो अभी ये रामनगरम की पहाड़ियाँ हैं, इधर ही हम थे। तो दोस्तों इसके अंदर आने के लिए सबसे ज़रूरी आपको चीज़ बताते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे 19 में, तो यहाँ पे फ्री था, कोई टिकट कोई मतलब शुल्क नहीं लगता था। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे आपको टिकट देना रहेगा 25 रुपये का। और जब मैं पहली बार आया था तो फ्री था, अभी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने 25 रुपये लागू कर दिए टूरिस्ट लोगों के लिए, जो बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। मुझे भी 25 रुपये देकर अंदर जाना पड़ा था। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, हो गई है शाम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी इसकी नेक्स्ट वीडियो का साथ में, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन एक बात याद रखना, वो गब्बर कहता ना कि जब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। मैं कहता हूँ जब 50-50 किलोमीटर दूर कोई YouTube पे चैनल चलाता है तो यूट्यूबर लोग कहते हैं चुप हो जाओ वरना विकास कुमार VKR आ जाएगा। अरे भाई ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, बाय बाय।